बुरहानपुर जिले में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। जिले भर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। इन कॉलोनियों में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत लोग लगातार जिला प्रशासन से करते आ रहे हैं। मामला गरीब नवाज कॉलोनी का है, जिसे लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हमारी ये है कि चार सालों से हम जूझ रहे हैं बिजली पानी रोड नाली। अब इनसे बोलो तो बोले हम कुछ भी नहीं कर। ये गरीब नवाज कॉलोनी है, ख्वाजा नगर से लगती है, 20-25 मकान बन गए सर। आज हम SP साहब के पास आए। क्या नाम है? अभी अब्दुल खालिक साहब आए तो कॉलोनाइजर अब्दुल खालिक बोले तुमने रिपोर्ट करो, मैं सबका वाट लगा दूंगा, मकान तोड़वा दूंगा। इसमें हमने FGM के माध्यम से कुछ FIRs भी दर्ज किए और कुछ CM हेल्पलाइन में भी हमारे पास शिकायतें आई हैं। अभी भी कुछ प्रकरण SDM के न्यायालय में दर्ज है और हम शीघ्र ही 1 से 2 महीने में अधिक से अधिक FIRs करेंगे और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उन पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, अगर कुछ पटवारी भी इसमें इन्वॉल्व दिखते हैं तो हम उन पर भी एक्शन करेंगे। जो हमने FIRs किए हैं अभी वो कोर्ट पे है। कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू जब कुछ पनिशमेंट इसमें होगी तो ज़रूर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हमारा फोकस FIRs पे है और कोर्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट करके इन पे ऑर्डर्स करने।